हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल आज के वक्त में, आज के टाइम में बहुत बड़ी एक समस्या बन गया है। अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड, तला भुना चिकना खाना खाते हैं या ज़्यादा आप नॉन वेज का यूज़ करते हैं, तो उम्मीद ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हो सकता है। और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसके बढ़ने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। और जो आपका ब्लड है प्रॉपर, आपकी जो हार्ट है उसे गुज़र नहीं पाता, जिसकी वजह से छाती में दर्द होना, घबराहट होना, या उसके अलावा छाती में, सीने में दर्द होना, जलन होना, घबराहट होना, पालपिटेशन होना और एंजाइना, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। और खाने में आप कम से कम नॉनवेज का यूज़ करें। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अपना उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो कैलोरीज हैं आप उनको भी बर्न करें, क्योंकि बहुत सारी कैलोरीज लेते हैं और आप उनको बर्न नहीं करते, जिसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल है, जो आपकी लिपिड प्रोफाइल है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो इसको, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है अपने जो लाइफस्टाइल है आप उसको इम्प्रूव करें, और इसमें आप एक्सरसाइज करें और हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़्यादा पिएं। उसके अलावा अपने खाने में जो मसाले हैं, गरम मसाले हैं या सलाद है या फिर लहसुन है और प्याज है, इनका आप सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आप लहसुन का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज वाली है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। और उसके अलावा होम्योपैथिक में लहसुन से ही एक बनी हुई एक दवाई होती है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने में, और उस मेडिसिन का नाम है एलियम सटाइवम मदर टिंक्चर। आप इसकी 10-10 बूंदें दिन में 3 बार ले सकते हैं। और इसको लेने के साथ में आप चिकनाई का यूज़, चिकने खाने का ऑयल, जो फैटी थिंग्स होती हैं उनका यूज़ आप कम करें, और उसके अलावा एक्सरसाइज करें और बार बार ना खाएं और पानी का यूज़ ज़्यादा करें। और ये जो मैंने मेडिसिन बताई है आप इसका भी यूज़ करके बहुत जल्दी, कम से कम 8 से 10 दिनों में आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। आप एक रिपोर्ट आप अभी करा लें लिपिड प्रोफाइल में, और उसके बाद में एलियम सटाइवम मदर टिंचर, और अपने खाने में लहसुन का ज़्यादा प्रयोग रखें। निहार मुँह भी आप एक उसकी एक क्लोव उसको आप खा सकते हैं। और उसके अलावा कुछ दिन बाद, कम से कम 3 हफ्ते बाद में दोबारा से लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए तो बहुत इम्प्रूव्ड होगी ये, व्हाट आई बिलीव, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट के साथ में मैंने इसको ट्राई किया है। तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है उन लोगों के लिए जिन लोगों को प्रॉब्लम आती रहती है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, उसके अलावा दिल की को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि जब आपका जो हार्ट में जो ब्लड है प्रॉपर फ्लो नहीं करेगा, इसकी वजह से जो आर्टरी है वो सख्त हो जाती हैं, हार्डन हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कोविड चल रहा है तो इसके लिए जो गाइडलाइन है उनको आप ज़रूर पालन करें। और अगर आप अकेले हैं तो मास्क का प्रयोग ना करें, रूम में बैठे हैं आप अलग से और डिस्टेंस मेंटेन है तो मास्क का यूज़ ना करें, बट अपने पॉकेट में, अपने आसपास में मास्क को रखें। जैसे ही बाहर निकलें मास्क का प्रयोग करें, कम से कम बाहर जाएं, कम से कम घर से बाहर निकलें, कोई बहुत ज़रूरी कार्य हो तभी बाहर निकलें, और लोगों से दूरी बनाए रखें, पानी का ज़्यादा सेवन करें। उसके अलावा जो प्याज है, प्याज बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप कम से कम छोटा वाला प्याज आप दिन में एक बार उसको ज़रूर खाएं, खाने के साथ खा सकते हैं या वैसे भी आप उसको खा सकते हैं।
तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई खुद से या किसी किसी के व्हाट्सएप ग्रुप से देख करके, बहुत से लोगों ने दवाई बताई है स्पाइडोस्पर्मा के, वो बहुत अच्छा आराम करती है। तो होम्योपैथिक दवाई जो देने के लिए हमें सिम्टम्स भी पता होने चाहिए, क्या लक्षण आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स हैं। तो कोई भी दवाई एकदम से किसी को भी नहीं दी जा सकती। तो अगर आपका जो डॉक्टर है उसने अगर आपको रिकमेंड किया है तो ही आप उसका इस्तेमाल करें, खुद से कुछ भी ना करें, क्योंकि फ़ायदा होने के अलावा नुकसान भी हो सकता है। तो किसी डॉक्टर की देख रेख में ही आप अपने दवाइयों का यूज़ करें। उसके अलावा अगर आपको कोई एलोपैथिक दवाई चल रही है तो उसको लेते रहें, एकदम से ना बंद करें। और कोई भी नई दवाई शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि हाँ कि ये मेडिसिन आपको आराम करेगी तो ही लें, अदरवाइज़ खुद से कोई दवाई के व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे पास बहुत सारे मैसेज और कॉल आई कि ये दवाई हम लेना चाहते हैं और बहुत अच्छा है। तो मैं पूछता हूँ आपको कैसे पता लगा कि ये बहुत अच्छी दवाई है, तो वो बोलते हैं ग्रुप पे आया था व्हाट्सएप पे, इधर उधर हमने देखा, हमने मंगा ली और ये वाली मेडिसिन आउट ऑफ स्टॉक है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है और ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है और ब्लैक मार्केट होती है। जैसे अगर आप कोई भी दवाई या फिर कोई आप इक्विपमेंट ख़रीदते हैं, जैसे एक पल्स ऑक्सीमीटर है, नॉर्मली आपको 400-500 रुपए का मिल जाता है, लेकिन अगर आप मार्केट में अगर आप जाकर अब लेते हैं तो 1.5 से 2 हज़ार या 2.5 हज़ार रुपये का आपको मिलेगा। तो कई चीज़ें हुई हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप एक दुकानदार हैं या फिर आप दवाइयों में डील करते हैं कोई भी, क्योंकि फ़िलहाल एवरीवन इज़ कंपेल्ड, सब लोग मजबूर हैं, तो अगर उनको कोई दवाई चाहिए या कोई और सामान चाहिए तो कम से कम दामों पर आप दें और मानवता की भलाई के लिए कदम उठाएं, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें और जो जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से, WHO की तरफ से दी गई है उनका ज़रूर पालन करें। और उसके अलावा अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ में, एक नए सोल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए अपना और आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।